नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश से एक अच्छी खबर निकल के आई है। जल्द शिक्षकों की भर्ती होगी। इसमें MPTET 2018 उम्मीदवारों को राज्य सरकार ने दी है बड़ी राहत। हम चलिए आपको पूरी एक एक खबर करके विस्तार से समझाते हैं। इसमें है क्या कि मध्य प्रदेश के जो स्कूली शिक्षा विभाग में एक तरफ जहाँ कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ उच्च शिक्षा विभाग में भी 15,000 से भी अधिक पदों पर इस भर्ती का ऐलान किया गया था। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ जहां प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को 14,000 शिक्षक नियुक्त करेगी, वहीं 1500 अधिक पदों पर उच्च शिक्षा विभाग में भी भर्ती देखने को मिल सकती हैं। इससे पहले MPTET 2018 उम्मीदवारों को शिवराज सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल राज्य शासन की ओर से MPTET 2018 के उम्मीदवारों को पात्रता वैधता की समय सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी न्यूनतम अंक 90 को घटाकर 75 कर दिया गया है। इस बड़े संशोधन के साथ ही वंचित वर्गों को नई भर्तियों में बड़ा लाभ मिलेगा। माना जा रहा है जल्दी स्कूल शिक्षा विभाग कई पदों पर भर्ती का आयोजन कर सकता है। प्रदेश में शासकीय स्कूल में पाठन की व्यवस्था को सुधारने के लिए प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 14,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दिया गया है। वहीं अब चयनित शिक्षक अगस्त 2024 तक इसकी पात्रता रखेंगे। उम्मीदवारों की वैधता अवधि बढ़ाई गई। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की परीक्षा परिणाम की घोषणा 26 अक्टूबर 2019 को हुई थी। वहीं ऐसे उम्मीदवारों की वैधता अवधि बढ़कर 26 अक्टूबर 2025 हो गई है। अभी मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूल में 80,000 से अधिक शिक्षकों की कमी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 20,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। हालांकि अतिथि शिक्षकों के अलावा 14,000 शिक्षकों की भर्ती अलग से करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 7,000 उच्च माध्यमिक शिक्षक सहित 5,000 माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती का आयोजन किया जाएगा। हालांकि अभी इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर संशय बरकरार है। दस्तावेज सत्यापन और तिथियों की घोषणा के लिए उम्मीदवारों को थोड़ा इंतजार करना होगा। वर्तमान में कई शासकीय स्कूल अतिथि शिक्षक के भरोसे संचालित किए जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। इसमें नहीं है, मुख्य रूप से ये ध्यान रखेंगे कि 15,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी, तो नोटिफिकेशन का इंतजार बिल्कुल ना करें, अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करने में देर हो जाएगी। तो अच्छे से तैयारी करते रहें, इसलिए जब भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको इस बार मौका ज़रूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।